हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा आयोजित की गई कंडक्टर लिखित परीक्षा भर्ती मामले में अब चयन आयोग पूरी पड़ताल के बाद ही अंतिम निर्णय लेगा। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जांच और एसडीएम के द्वारा पूरी पड़ताल के बाद ही कंडक्टर भर्ती रद्द बारे निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल कंडक्टर लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अभी आगामी 7 दिनों तक अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकता है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि कंडक्टर लिखित परीक्षा में प्रदेश भर में 304 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा गत रविवार को आयोजित हुई थी और महज 2 परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन के प्रयोग के मामले सामने आए थे, जिन पर कार्रवाई चल रही है। ये हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग ने 18 अक्टूबर को मॉर्निंग सेशन में पोस्ट कोड 762 कंडक्टर की भर्ती हेतु हिमाचल प्रदेश के अलग अलग सब डिवीज़न में 304 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की थी। दुर्भाग्यवश 2 परीक्षा केंद्रों में से जो है वो एक परीक्षा केंद्र जो एपीजी यूनिवर्सिटी के सेंटर 1 में स्थापित किया गया था, उसमें एक कैंडिडेट के पास मोबाइल मिला था और वो उसका यूज उसके क्लिक्स ले रहा था और उसी समय वहाँ पे मौजूद इन्विजिलेटर ने उससे मोबाइल ले लिया और ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर लेके उसी समय जो है वो पुलिस को एफआईआर के लिए भेज दिया मैटर। उसके बाद दूसरे मैटर में एक कोई पर्सन था जिसका बहुत समय बाद शाम के समय में ही पता चला, उसने सोशल मीडिया पे जो है वो पेपर को कंडक्ट के बाद उसको जो है वो क्लिप्स को शेयर किया और उसके बाद वो क्लिप्स जब बाद में उसमें एक जगह थोड़ा सा हिंट मिला तो कमीशन ने अपने डाटाबेस से उस पर्सन का नाम खोजकर एसपी कांगड़ा को एफआईआर का रिक्वेस्ट किया है। तो दोनों मामलों में क्योंकि एफआईआर हो चुकी है तो इसी तरीके से ये मामले जो है वो आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत किए गए और इसमें जो है आयोग ने निर्णय लिया है कि जो हमारे एसडीएम शिमला रूरल है और एसडीएम शाहपुर है उनसे इस विषय में जो है वो जांच रिपोर्ट तलब की जाए 7 दिनों के भीतर। वहीं परीक्षा रद्द मामले पर आयोग सचिव ने साफ तौर पर कहा कि दोनों एसडीएम से रिपोर्ट मांगी है और पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही भर्ती के रद्द करने का निर्णय लिया जाएगा। तो अब जो है ये इन दोनों से जांच रिपोर्ट मांगी गई है और उसके बाद जो है उसको आयोग के समक्ष आगामी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जो हमारी जो भी एग्जाम होता है इस कमीशन का उसी उससे अगले दिन जो है वो प्रोविजनल आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है और उसमें 7 दिनों का समय दिया जाता है कि किसी को भी अगर किसी क्वेश्चन के आंसर के ऊपर आपत्ति है तो वो उसके साक्ष्यों सहित जो है 7 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद ये आयोग जो है एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूट करता है और उसमें पूरे का पूरा पेपर दोबारा 170 के 170 क्वेश्चन दोबारा से उसकी वेटिंग की जाती है और वेटिंग के बाद जो फाइनल आंसर की बनती है उसके अनुसार ही उनकी जो है उत्तर पुस्तिकाओं का जो है अवलोकन किया जाता है। ये हमारे 304 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी और लगभग 60,000 इसमें रोल नंबर जारी किए थे कमीशन ने। इसमें 302 सेंटर्स में जो है परीक्षा बिल्कुल स्मूथली कंडक्ट हुई है और 2 सेंटर में जो है ये जो दो दो मामले आए हैं इस दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। अभी मैटर क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है वहाँ से हमारे पास इस विषय में अभी तक कोई अगली जानकारी नहीं आई है। जैसे ही वहाँ से जानकारी आती है और जो एसडीएम दोनों एसडीएम को जो इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए भेजा है जब वहाँ से कोई जानकारी आती है तो इसके विषय में आयोग के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए रख दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में कंडक्टर लिखित भर्ती परीक्षा के लिए 60,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा में 48,000 अभ्यर्थियों ने भाग्य आजमाया है। वहीं अभी तक आयोग ने भर्ती को रद्द न करने का निर्णय लिया है और अगर आगामी दिनों में आपत्तियों और जांच की रिपोर्ट के बाद ही कंडक्टर भर्ती परीक्षा के लिए निर्णय लिया जाएगा।